हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर होम। मेरा नाम है निशांत अग्रवाल और प्रॉपर्टी दिलाऊंगा आपको इसी साल। सो गाइस, आज हम लोग हैं सुशांत लोक वन सेक्टर 43 में, जहां पर मैं आपके लिए 418 गज का 4 बेडरूम 5 वॉशरूम से एक अल्ट्रा लग्जरी बिल्डर फ्लोर लेकर आऊंगा। अगर काम की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया काम आज आपका यहां पर होने वाला है, लेआउट बहुत बढ़िया होने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहां पर मार्केट कनेक्टिविटी की। तो मार्केट यहां पर आपकी व्यापार केंद्र गोल्फ कोर्स रोड आपका यहां पर नियर बाय होने वाला है। मेट्रो आपके यहां पर हुड्डा सिटी सेंटर, मेट्रो आपके 2 मिनट डिस्टेंस पर आपको यहां पर मिलने वाला है। तो ओवरऑल स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सारे आपके यहां से नियर बाय होने वाले हैं। और गाइस, फ्लोर का काम बहुत ही बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लोर की मेन एंट्रेंस से। पार्किंग की बात करूंगा उससे पहले तो 2 गाड़ियों की कार पार्किंग आपको यहां पर मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं फ्लोर की मेन एंट्रेंस पे, दिखाता हूं कि आज आपका काम यहां पर किस तरीके का आपको मिलने वाला है। आइए गाइस, फ्लोर की मेन एंट्रेंस पर फिलहाल मैं हूं। बैक साइड आप मेरे दरवाजा देख सकते हो, दरवाजा मैंने और भी दिखाया हूं, बट यहां पर प्लस पॉइंट क्या है कि यहां पर आपको डबल डोर दे रहे हैं, जो कि आपका 50mm हार्डवुड डोर प्लस जो वीनियर का काम किया है बहुत ही शानदार आज आपको यहां पर मिलने वाला है। प्लस जो अगर मैं बात करूंगा लॉक्स की, तो यूरोपा के लॉक्स होने वाले, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के लॉक्स मिलने वाले। एंड देन हैंडल्स की अगर मैं बात करूंगा, तो हैंडल बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के आप आपको यहां पर मिलने वाले। देन राइट साइड में जॉनसन की 5 पैसेंजर लिफ्ट आपको यहां पर लगा के दे रहे हैं। जॉनसन जो कि एक लिफ्ट में बहुत ही अच्छा नाम है, तो सेम 5 पैसेंजर लिफ्ट आपको यहां पर मिलने वाली है। और उसके बाद अगर मैं लॉबी की बात करूंगा तो बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है। देन यहां पे जो वुडन का काम किया है बहुत अच्छा होने वाला है, टेक्सचर आपका यहां पर किया, देन यहां पर पेंटिंग्स वगैरह आपका यहां पर लॉबी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो चलिए फ्लोर के अंदर चलते हैं, दिखाता हूं कि आपका काम आज किस तरीके का आपको मिलने वाला है। आइए मेरे साथ। सो बात करूंगा एंटर करते ही सबसे पहले लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आता है आपका। और अगर मैं यहाँ पर लिविंग एरिया की बात करूंगा, दिस इज योर प्रॉपर लिविंग एरिया, 28x14 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर मिलता है लिविंग एरिया। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग में आपको यहाँ पर इटालियन मार्बल लगा कर दे रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर वॉल पेपर्स की, तो गाइज वॉल पेपर सव्यसाची के वॉल पेपर्स आपको पूरे घर में मिलने वाले हैं। आपके लिविंग डाइनिंग एरिया में वॉल पेपर्स लग चुके हैं, बट रूम्स में आपके पास ऑप्शन है, आपको मैं वॉल पेपर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी सव्यसाची के लगा कर देने वाला हूं। और अगर मैं बात करूंगा अभी यहां पर एसीस की, तो वोल्टास के इन्वर्टर एसीस आपको यहां पर लगा के देने। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर शैंडलियर्स की, तो लिविंग एरिया में आपके यहां पर 2 शैंडलियर आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद काम की अगर मैं बात करूंगा, तो गाइस काम बहुत बढ़िया होने वाला है। यहां पर जो ग्लास का काम किया हुआ है बहुत ही शानदार बनाता है आपके इस लिविंग एरिया को। देन आपकी यहां पर यूपीवीसी डोर्स दिए हुए हैं। यूपीवीसी डोर्स अगर मैं बात करूंगा यहां पर अलोंग विद दी मैच डोर, मैच डोर का काम आप देख सकते हो। नॉर्मली आपको जो मैं यूपीवीसी विंडोज दिखाता हूँ उसमें आपके स्लाइडिंग ड्रॉर्स होते हैं, बट यहाँ पर आपको इस तरीके का मैच डोर देने वाला है। देन बैल्कनी की अगर मैं बात करूँगा, तो ऑलमोस्ट 5 फीट रनिंग बैल्कनी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ओवरऑल आपका लिविंग एरिया बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। लिविंग एरिया के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा आपके ड्रॉइंग डाइनिंग की, तो ड्रॉइंग डाइनिंग को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो लंबा प्लेस देख रहे हैं, दिस इज़ 40 फीट का आपका यहाँ पर ये लिविंग एंड लिविंग एरिया होने वाला है। इसको 2 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूँगा, तो 20x14 स्क्वायर फीट का आपका ये लॉन्च प्लस आपका डाइनिंग एरिया यहाँ पर मिलने वाला है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया काम किया हुआ, शैंडलियर आपको यहाँ पर भी लगा कर देने वाले हैं। फॉल सीलिंग की बात करूंगा, तो फॉल सीलिंग आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पर जो वॉल पेपर्स हैं सव्यसाची के बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। देन अगेन यहाँ पर जो वुडन का वर्क किया हुआ है बहुत ही शानदार आपका यहाँ पर मिलने वाला है। तो गाइस एक बार पूरे घर का मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा। 418 गज 4 बेडरूम 5 वॉशरूम अभी मैं मेन एंट्री के साथ हूँ। अगर मैं लेआउट की बात करूंगा, तो दिस इज लिविंग एंड डाइनिंग प्लस लॉन्च। फर्स्ट बेडरूम आपका फ्रंट बैल्कनी के साथ अटैच्ड है। देन यहाँ पर आपको मिलता है पाउडर रूम। देन लेफ्ट साइड में आपकी मॉडुलर किचन जो कि ओपन होने वाली है। देन आपके 3 बेडरूम बैक साइड में यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर स्पेस आप यहाँ पर बार बना सकते हैं।
देन एक चीज़ और गाइज, यहाँ पर आपको मंदिर सेपरेट बनाकर देने वाला है, और मंदिर का स्पेस आप देख सकते हो, मंदिर बहुत स्पेशियस होने वाला है और काम आपका बहुत ही बढ़िया मंदिर में मिलने वाला है। और उसके बाद मंदिर के बाहर आप देख रहे होंगे आपको वीडियो डोरबेल यहाँ पर लगाकर देने वाला है। तो गाइज चलिए चलते हैं वन बाय वन बेडरूम दिखाता हूँ आपको कि बेडरूम में काम किस तरीके के और साइजेस आपके बेडरूम के कितने अच्छे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दरवाज़ों की, तो सेम आपको दरवाज़ों का काम वुडन वर्क बहुत बढ़िया होने वाला है आपका यहाँ पर, ऑलमोस्ट 40 mm के हार्डवुड डोर प्लस आपका जो वीनर का काम है बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम जो कि आपका फ्रंट साइड बैल्कनी के साथ अटैच है, अगर मैं रूम साइजेस की बात करूँ तो 19x13 स्क्वायर फीट का आपका यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम। तो गाइस रूम साइजेस बहुत ही स्पेशियस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फ्लोरिंग इटालियन मार्बल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फॉल सीलिंग की अगर बात करूँ तो बहुत बढ़िया सीलिंग हाइट बहुत अच्छी होने वाली है। ओरिएंट के रिमोट कंट्रोल ऑटोमेटिक फैंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं पूरे घर में। देन अगेन वोल्टास का इन्वर्टर एसीज आपको इस रूम में भी लगा हुआ मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टोरेज की, तो स्टोरेज में आपको फर्स्ट बेडरूम में आपको फोर डोर वार्डरोब मिलती है जो कि आपको व्हाइट लेमिनेट में यहाँ पर मिलने वाली है। तो ओवरऑल स्टोरेज आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है। देन अगर मैं वॉशरूम की बात करूँगा तो वॉशरूम आपके बहुत ही स्पेशियस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ग्लास पार्टीशन आपको लगा के दे रहे हैं। देन जितनी भी बाथरूम फिटिंग्स है सारी आपकी यहाँ पर जगुआर की आपको मिलने वाली है। देन अगेन अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे मिरर्स आपको यहाँ पर लगाकर देने वाले हैं। और अगेन अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर गीजर्स की, तो जगुआर के ही गीजर्स आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। तो गाइस फर्स्ट बेडरूम के बाद चलते हैं हम लोग सेकंड बेडरूम में। बट सेकंड बेडरूम में जाने से पहले आज मैं आपको दिखाता हूँ पहले पाउडर रूम एंड देन किचन, उसके बाद हम लोग बाकी रूम स्पेस देखेंगे। सो गाइस पाउडर रूम की अगर मैं बात करूँ, आपका फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकलते पाउडर रूम होने वाला है। आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पर पाउडर रूम जो कि बहुत अच्छा काम किया है, जगुआर की फिटिंग्स, इवन गीजर्स भी आपको यहाँ पर जगुआर के मिलने वाले हैं। प्लस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मिरर्स की, तो मिरर्स आपके पूरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आपको मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया पाउडर रूम आपको यहाँ पर रेडी करके देना। उसके बाद जो यहाँ पर इंटीरियर्स किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू लाइक वॉल जो पूरा आपका यहाँ पर वुडन का काम किया है, तो पाउडर रूम आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और उसके बाद किचन बोला था, आज किचन आपको पहले दिखाता हूँ। तो किचन का आप एक एरिया देख सकते हैं कितनी बड़ी किचन आपको यहाँ पर आज मिलने वाली है। तो स्पेस देख सकते हो किचन में। सबसे बड़ी बात कि किचन का कलर आपको यहाँ पर लेमिनेट शेड में, वुडन शेड में यहाँ पर शटर्स प्लस आपको यहाँ पर पिंक कलर के शटर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर इनोटेक्स की, तो जितनी भी इनोटेक्स हैं सारी आपको यहाँ पर हैफले की मिलने वाली हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर जितनी भी आपकी चिमनी हो, माइक्रोवेव, ओवन, आपको सारा यहाँ पर बॉश का लगा हुआ मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड होने वाला है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा पेंट्री की, तो पेंट्री आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है। तो ओवरऑल बहुत ही प्रीमियम किचन आपकी होने वाली है। और अगेन अगर मैं यहाँ से बात करूँगा टॉप मार्बल की, तो टॉप मार्बल भी आपका बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर लगा हुआ मिल रहा है। और एक चीज़ और, यहाँ पर आपको जो शटर्स रोलिंग शटर्स मिल रहे हैं, रेहाओ के रोलिंग शटर्स मिल रहे हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के आपके यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अगेन किचन में वन प्लस पॉइंट क्या है, आपका राइट साइड में वॉशिंग एरिया सेपरेट दिया हुआ है जो कि नॉर्मल किचन में एक सिंक आपको यहाँ दिया हुआ है। देन अगेन सेपरेट एरिया आपका यहाँ पर भी किचन में दिया हुआ है। तो किचन ओवरऑल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा स्पेस है, किचन का काम आपका यहाँ पे बहुत बढ़िया होने वाला है। तो चलते हैं गाइस सेकंड बेडरूम में, दिखाता हूँ सेकंड बेडरूम का काम आपका किस तरीके का होने वाला है। सेकंड बेडरूम में सिर्फ जाने से पहले ये पर्टिकुलर स्पेस दिखाता हूँ, यहाँ पर आप अपना बार बना सकते हैं जो कि पर्टिकुलर स्पेस आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सेकंड बेडरूम की अगर मैं बात करूंगा, तो बात करूंगा अगर मैं सेकंड बेडरूम की, तो 19x13 स्क्वायर फीट का आपका यहाँ पर सेकंड बेडरूम होने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगेन एसी वोल्टास का इन्वर्टर देन फैंस, मैंने जैसे बताया था कि पूरे घर में आपको ऑटोमेटिक फैंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल स्पेस बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर सेम आपको UPVC डोर्स जो कि मैश डोर यहाँ पर आपको मिलने वाली हो। और आपका जो सेकंड बेडरूम है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों बेडरूम आपके बैक साइड बैल्कनी के साथ यहाँ पर अटैच होने वाला है। और बैक साइड बैल्कनी आपको दिखाता हूँ कि कितनी स्पेशियस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आइए मेरे साथ। सो बैक साइड बैल्कनी अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो बैल्कनी को यहाँ पर बीच में दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये पर्टिकुलर एरिया पूरा जाल आपको यहाँ पर बिल्डर लगा कर देने वाला है। एंड अगेन जो पर्टिकुलर स्पेस है यहाँ पर सिटिंग एरियाज बहुत अच्छे मिलने वाले, जो लैंप्स दिए हुए हैं बहुत अच्छा। और अगेन यहाँ पर सिपेज से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पूरी यहाँ पर मार्बल का काम किया हुआ मिल रहा है। तो ओवरऑल बैल्कनी बहुत ही यूज है, बहुत स्पेशियस होने वाली है, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो दो पार्ट्स में किया, तो फर्स्ट पार्ट आपका सेकंड और थर्ड बेडरूम के साथ, एंड देन आपका अगेन इस तरीके से चौथे बेडरूम के साथ भी आपकी बैल्कनी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो ओवरऑल लाइट्स का काम अच्छा है। अगेन यहाँ पर जो स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस जो कि जाल लगाकर बिल्डर आपको दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए
अब सेकंड बेडरूम की स्टोरेज और वॉशरूम कैसा है, जो कि सेकंड बेडरूम नहीं वेस्ट मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम की स्टोरेज आपको कैसी मिलने वाली है, तो मास्टर बेडरूम में ओवरऑल आपको 6 डोर वार्डरोब यहाँ पर मिलने वाली है। तो स्टोरेज आपकी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एंड अगेन अगर मैं बात करूँगा तो पूरे यहाँ वॉशरूम में आपको ग्लास पार्टीशन लगा कर दे रहे हैं, देन यहाँ पर जकूजी एंड आपको यहाँ पर बाथ टब भी लगा कर दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स आपको लगे हुए मिल रहे हैं। तो वॉशरूम्स बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, एंड अगेन स्पेशियस आपका यहाँ पर वॉशरूम मिलने वाला है। सो गाइस सेकंड बेडरूम के बाद हम लोग चलेंगे अभी थर्ड बेडरूम में। सो गाइस थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये पर्टिकुलर जो स्पेस और जो काम यहाँ पर किया हुआ है वुडन का, इंक्लूडिंग जो एलईडी लाइट्स का काम किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया आपका यहाँ पर होने वाला है। और सेम आपका यहाँ पर दरवाजे का जो काम है अगेन आपका बहुत बढ़िया किया हुआ है। तो गाइस रूम स्पेस की अगर मैं बात करूँगा तो 15x12 स्क्वायर फीट का आपका यहाँ पर थर्ड बेडरूम होने वाला है, जो कि बहुत स्पेशियस है। अगेन यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग का काम आपको किया हुआ मिल रहा है। एंड फैंस की बात करूँगा तो ऑटोमेटिक फैंस ओरिएंट के आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा वोल्टास का, सेम इन्वर्टर एसी यहाँ पर भी मिलने वाला है। और अगेन थर्ड बेडरूम के साथ भी बैक साइड बैल्कनी अटैच है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहाँ पर भी सेम यूपीवीसी डोर्स आपको दिए हैं। अगेन यहाँ पर आपको मेज डोर, सीरियसली गाइस बहुत अच्छा काम आपका यहाँ पर होने वाला है। और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर वॉशरूम की, तो वॉशरूम अगेन बहुत स्पेशियस आपके यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पर अगेन जगुआर की फिटिंग्स एंड ग्लास पार्टीशन यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल थर्ड बेडरूम जो कि आपका गेस्ट बेडरूम था वो मैं दिखा चुका हूँ। अभी चलेंगे फोर्थ बेडरूम में। तो फोर्थ बेडरूम का काम किस तरीके का आपको दिखाता हूँ। तो फोर्थ बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूंगा तो 19x13 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर भी फोर्थ बेडरूम होने वाला है। वॉलपेपर्स के ऑप्शंस हैं, सेम सबवे से अच्छी है, वॉलपेपर्स यहाँ पर भी आपको लगा कर देने वाला, तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। देन अगर सबसे पहले बात करूंगा स्टोरेज की, तो सेम वुडन फिनिश में यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलने वाले जो कि 3 डोर, देन यहाँ पर ड्रेसर एरिया आपको सेपरेट मिलने वाला है। तो ओवरऑल स्पेस वाइज बहुत अच्छा है। सेम आपको यहाँ पर भी ओरिएंट के फैंस मिलने वाले हैं, एंड अगेन अगर यहाँ पर भी आपको एसी वोल्टास के मिलने वाले हैं। और थर्ड फोर्थ बेडरूम के साथ भी आपकी बैक साइड बालकनी यहाँ पर अटैच होने वाले हैं। और बात करेंगे अभी फोर्थ बेडरूम के वॉशरूम्स की, तो वॉशरूम आपके बहुत बढ़िया, सेम यहाँ पर भी आपको ग्लास पार्टीशन मिलने वाला है, और यहाँ पर भी आपको बाथरूम फिटिंग्स पूरी जगुआर की यहाँ पर मिलने वाली है। तो ओवरऑल स्पेस वाइज एंड काम वाइज आपके वॉशरूम्स बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस चारों बेडरूम वॉशरूम्स, 5x5 वॉशरूम, किचन, सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो आपका घर का काम बहुत बढ़िया क्यों है, एक बार वापस यहाँ से ब्रीफ करूँगा मैं। 418 गज, 4 बेडरूम, 5 वॉशरूम्स, बाथरूम फिटिंग्स पूरी आपके जगुआर की, वॉलपेपर सारे आपको यहाँ पर सबवे साची के मिलने वाले हैं चारों बेडरूम्स में, प्लस आपको लिविंग डाइनिंग एरिया में शैंडलियर यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, वोल्टास के 7 ACs आपको यहाँ पर लगा कर दे रहे हैं, मॉडुलर किचन, हैफले की फिटिंग्स, प्लस आपके बोश का चिमनी होम, माइक्रोवेव ओवन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँगा अभी यहाँ पर कॉस्टिंग की, तो 3.80 ऑनवर्ड प्राइस, बाकी चीज़ों के लिए डिस्काउंट्स के लिए 9205041868 निशांत अग्रवाल के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपके लिए मैं लेकर आया। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा घर आप प्लीज़ मुझे जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद गाइस।